इसीलिए जब ये सोचा जाए कि ये पूरा कास्ट सेंसस जाति का जातिगतना ये सारी जातियां ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे 2019 का चुनाव तो दो जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा चौदह भी नहीं लड़ा पचास चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी पर यह जो हथियार है यह दो में उनके हाथ में आया और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की उनके पहले उठाने की पार्टी की कोई पॉलिसी होगी या परिवार की कोई बात होगी अब परिवार में तो पढ़नाना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को कि अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो यह क्वालिटी घट जाएगी देश की उनकी दादी कहा करती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे उनके पिताजी कहा करते थे कि ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही पार्टी की नीति तो एमयू से जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही पार्टी की नीति तो कर्नाटक में तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली मंडल कमीशन को रोकने वाली एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए अंजरा जी मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक है इको जो है ये उसको लड़ रहा है एक डिवाइड एंड रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया पॉलिसी वाले 2000 किलोमीटर दूर से ये इटली मम्मी सन पॉलिसी जो आई है ये जो कंपनी आई है इन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं विभाजन करने की बात करी और मैं 10 सेकंड लूंगा क्यों ऐसा ख्याल आया क्या ओबीसी का पिछड़े का एस सी का ख्याल तभी आया जब इस देश में एक ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री आया वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के ये चलाते थे कि पिछड़ा विरोधी हैं और फिर देख के सकपका गए कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री देने का काम पिछड़े वर्ग का अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है इसलिए ये कांप गए ये इसलिए डर गए क्योंकि उनको लगा कि ये एनसीबीसी को संविधानिक दर्जा पच्चीस साल बाद देने वाली कोई पार्टी आई तो यह भारतीय जनता पार्टी इसीलिए यह लग गए क्योंकि क्योंकि अंजना जी जब दो में इनको लगा कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति तो बहुत आगे जा रही है सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति इस देश को परिवर्तित करके विकसित भारत बनाने की बात कर रही है जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही है तब यह डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर के आए और इन्हने सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा इसलिए लड़ाई यह लड़ाई अधिकार की नहीं है यह लड़ाई प्रतिकार की है और कोई भी लड़ाई जो किसी सेल्फिश मोटर से लड़ी जाए कोई भी लड़ाई जो षड्यंत्र के तहत पे लड़ी जाए वो देश का नुकसान करेगी इसीलिए अब राहुल बाबा अपनी लड़ाई में अपने चंगुल में खुद फंस गए हैं अब खड़े हो गए जा रहे थे सबसे पूछने पत्रकार नहीं छोड़े अधिकारी नहीं छोड़े जज नहीं छोड़े सैनिक नहीं छोड़े कोई नहीं छोड़ा जा रहे थे सबसे जातियां पूछने किसी ने टिप्पणी कर दी संसद के अंदर खड़े हो करके तो तिलमिलाने लगे मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ मेरी जाति पूछ ली गई अब मैं कहां जाऊंगा